वही राजनांदगांव में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए। सम्मेलन में उन्होंने महादेव ऐप मामले में उपनर लोगे आरोपों को झूठ बताया। साथ ही पूर्व सीएम ने इसे भाजपा का षड्यंत्र करार दिया। राजनांदगांव से नेमिश अग्रवाल की रिपोर्ट। लगातार 6 विधानसभा के ब्लॉक स्तरीय बैठक संपन्न हो चुकी है। आज नांदगांव विधानसभा करके 6 विधानसभा कम्प्लीट हो जाएगा। कल कवर्धा और पंडरिया विधानसभा, कल परसों में वो भी कम्प्लीट हो जाएगा। तो लगातार ब्लॉक स्तरीय कार्यकर्ताओं की बैठकें संपन्न हो चुकी है। अब चुनाव की तारीख भी घोषित हो गया है। हमारे यहाँ नांदगांव में 26 अप्रैल को मतदान होगा। सब लोग अब जुट गए हैं। हमारे प्रदेश में कुछ सीटें बची हुई है कैंडिडेट डिक्लेयर होने के, वो भी मैं समझता हूँ आज अच्छा है, वो सूची भी आ जाएगी। तो सभी लोग चुनाव में जुड़ जाएंगे और बहुत अच्छा वातावरण है। और जिस प्रकार से कल राहुल जी ने जो यात्रा न्याय यात्रा के समापन किए, और जिसमें सारे जो इंडिया गठबंधन के जितने भी हमारे दल के लोग हैं, नेता लोग हैं, सब लोग उपस्थित थे, लाखों की उपस्थिति थी। और बड़ा संदेश मुंबई के वहाँ से आम सभा से निकली है।